अपने हेल्थ को अच्छे से अच्छा रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आज के समय में यार हर बंदा बीमार ही पड़ रहा है, किसी को कुछ हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है। तो काम के साथ साथ अपने स्वास्थ्य को हेल्दी रखना बहुत ही ज़्यादा आज के समय में ज़रूरी हो गया। वेलकम बैक टू अनदर न्यू ब्लॉग। सो दोस्तों, कुछ दिनों से मैं सोच रहा था कि मैं मॉर्निंग वॉक पे आऊँ, और फाइनली कल मैंने रात को अलार्म लगाया था, 6:30 बजे का मैंने अलार्म लगाया था यहाँ पर आने के लिए मॉर्निंग वॉक पे एक्सरसाइज वगैरह करने के लिए। बट 5:30 बजे का अलार्म लगाने के बाद मेरे जो नींद है वो 6 बजे मेरी नींद खुली है। तो फाइनली मैं आ चुका हूँ मॉर्निंग वॉक पे, और सामने मेरे पार्क है, मैं पार्क में जाऊँगा, थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह करूँगा। काफ़ी पहले भी मैं मॉर्निंग वॉक पे आया करता था, एक्सरसाइज वगैरह करता था, मैंने आपको वीडियो में बता पहले भी बता रखा है कि मैं स्टंट्स वगैरह भी करता हूँ, ठीक है। तो कभी समय मिलेगा, कभी मौका मिलेगा तो मैं आपको एक वीडियो बना के ज़रूर दिखाने की कोशिश करूँगा। तो अभी मैं आ चुका हूँ मॉर्निंग वॉक पे, और सुबह सुबह हो रही है भाई, सुबह 6 बज रहा है और ठंड भी बहुत हो रही है, स्वेटर वगैरह मैंने पहना नहीं है। तो आज यार मतलब मज़ा आएगा एक्सरसाइज वगैरह करके। अब मैंने सोच लिया कि ठंड वगैरह भी मतलब ज़्यादा पड़ नहीं रही है, तो अभी मैं मॉर्निंग में आ सकता हूँ, थोड़ा रनिंग वगैरह कर सकता हूँ, स्टंट्स वगैरह भी कर सकता हूँ, काफ़ी अच्छा है। धीरे धीरे मतलब जैसे जैसे भाई समय बीत रहा है, जैसे जैसे मेरे को पता चल रहा है कि भाई अपने हेल्थ को अच्छे से अच्छा रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आज के समय में यार हर बंदा बीमार ही पड़ रहा है, किसी को कुछ हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है। तो काम के साथ साथ अपने स्वास्थ्य को हेल्दी रखना बहुत ही ज़्यादा आज के समय में ज़रूरी हो गया है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि अब से मैं रोज़ मॉर्निंग वॉक में आऊँगा और एक्सरसाइज वगैरह रनिंग वगैरह करूँगा, और समय मिला तो अपना जो मेरा स्टंट्स वगैरह का था वो भी मैं स्टंट्स वगैरह भी स्टार्ट करने वाला हूँ। जब मैं स्टार्ट करूँगा तो उसके ऊपर भी आपको एक वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं जाऊँगा पार्क में, और पार्क में नहीं जाऊँगा यार, पार्क में ना और ठंड हो रही है, तो ठंड की वजह से और जो वहाँ का नीचे जो पानी है ना वो जमा हो रखा है, ओस जिसे कहते हैं वो उस पर जमा हो रखा है, मेरे को लग रही है ठंड। आज मैं स्वेटर वगैरह अभी पहना नहीं हूँ, तो अभी मैं पार्क में नहीं जाऊँगा, अभी मैं ऐसे ही जाम रहते हैं, इसके बगल में एक नहर है तो वहाँ पर मैं जाऊँगा, थोड़ी देर बैठूँगा, उसके बाद एक्सरसाइज वगैरह करूँगा। काफ़ी अच्छा लग रहा है सुबह यार, मतलब जगने का ये फ़ायदा है कि आपको एकदम साफ़ सुथरी हवा मिलती है, ऑक्सीजन के तौर पर आप आराम से मतलब बहुत ही ज़्यादा शांति है। और जहाँ हम तो रहते हैं भाई, यहाँ पर मतलब पूरा शांत एरिया है, नहर है बगल में, उधर खेड़ा पड़ता है तो खेत वगैरह उधर काफ़ी है, तो मतलब बहुत ही अच्छी जगह है यहाँ पर भी। तो मैं आया हूँ मॉर्निंग वॉक पे, पार्क में नहीं बैठूँगा, मैंने बाद में कह दिया है, ठंड लग रही है भाई, ठंड से मेरे हाथ देख रहे हो कांप रहे, मैंने हाफ़ टी शर्ट पहन रखी और हाफ पैंट पहन रखी है। तो यार सुबह पहला दिन था तो कोई नहीं, कल से आऊँगा तो स्वेटर वगैरह फुल स्लीव और फुल शर्ट पहन के आऊँगा, जैकेट वगैरह पहन के आऊँगा और जूते वगैरह भी डाल के आऊँगा। तो चलते हैं, देख रहे हो पूरे रूट पे कोई नहीं है, मैं ही अकेले, 6 बज रहा है, कोई नहीं, पार्क में नहीं, चलते हैं वहाँ बैठेंगे नहर पे, थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह करेंगे, उसके बाद थोड़ा वार्म अप वगैरह रनिंग वगैरह। गाइस मैं पार्क के बगल में ग्रिल जो होता है उसके ऊपर आ चुका हूँ, आप ये देख सकते हैं मैं ग्रिल के ऊपर खड़ा हूँ, ये काफ़ी ऊंचा लग रहा है, अगर मैं इस पे से गिरा तो हाथ भी टूट सकता है, पैर भी टूट सकता है, बट अच्छा लग रहा है यहाँ से। मैं इसी के ऊपर चढ़ के, पार्क के अंदर नहीं जाऊँगा, मैं इसी के ऊपर चढ़ तो चुका ही हूँ, इसके ऊपर से मैं एक्सरसाइज वगैरह करूँगा, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और पार्क इतना शांत लग रहा है भाई, चिड़ियों की चहचहाट और इतनी शांति, मतलब बैठ के थोड़ा मैं मन को शांत करूँगा आराम से, महात्मा बुद्धि की तरह बैठ के थोड़ा, आज काफ़ी अच्छा लग रहा है, ठंड भी लग रही है, पूरा जंगल है तो अच्छा लग रहा है काफ़ी यार। पहले मैं रोज़ यहाँ पर आया करता था बट बीच में छूट गया यार, मैं ब्लॉग वगैरह करने लग गया हूँ तो सुबह सुबह आ नहीं पाता हूँ, सुबह ही सुबह 8-9 बजे 9 बजे के करीब मैं निकल जाता हूँ, और शाम को भी पहले मैं आता था यहाँ पर वॉक वगैरह करने के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ, बट वो भी छूट गया यार,
सुबह ना सुबह आ पाता हूँ ना शाम को आ पाता हूँ, तो इस वजह से थोड़ा यार दिक्कत हो रही है शरीर में ना अकड़न सी हो गई है। तो अब मैं सोच लिया कि मैंने अब रोज़ मॉर्निंग में आऊँगा 6 बजे, 1 घंटा ही करूँगा, 7 बजे फिर घर चला जाऊँगा, उसके बाद फिर मेरा जो रोज़ का जो काम है वो वगैरह करूँगा, फिर उसके बाद यही है अपना, ठीक है। तो अभी ये पार्क के ग्रिल पे आ चुका हूँ, और यहाँ से मैं थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह करूँगा, फिर वहाँ मेरे सामने नहर है, फिर मैं वहाँ चला जाऊँगा, फिर वहाँ पे थोड़ा मेडिटेट वगैरह मैं करूँगा। ग्रिल के ऊपर, वो वाला एक छोटा सा ग्रिल था, ये वाला बड़ा ग्रिल है, तो मैं इस पे चढ़ चुका हूँ, और आप देख सकते हैं कि एक फ्लोर के बराबर हो चुका है ये, मतलब मैं एक फ्लोर के ऊपर आ चुका हूँ और इस पे चल रहा हूँ। अगर मैं कैमरे पे देखूँ तो मैं गिर सकता हूँ, क्योंकि देख सकते हैं कितना पतला है। यहाँ से एक्सरसाइज वगैरह मैंने कर लिया है, काफ़ी अच्छा लगा, ठीक है। अब मैं यहाँ से निकलूँगा नहर पे सीधा, तो चलो भाई भाई बैलेंस बनाना ज़रूरी होगा, इस पर गिर गया तो मुंह फूट जाएगा, हाथ पे टूट जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, लव यू।